सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर के करौली बाबा विवादों में है। करौली बाबा से जल्द पुलिस पूछताछ कर सकती है। आपको बता दें कि नोएडा के डॉक्टर ने करौली बाबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। करौली बाबा पर मारपीट और जान से मारने की कोशिश का आरोप है। और जानकारी के मुताबिक नोएडा के डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी अपने माता पिता के साथ बाबा के आश्रम पहुंचे थे। सोशल मीडिया पर बाबा के तमाम चमत्कारिक वीडियो देखने के बाद डॉक्टर करौली बाबा से मिलना चाहते थे। आरोप है कि आश्रम में बाबा ने कई बार चमत्कार दिखाने की कोशिश की। इस दौरान वो डॉक्टर से बार बार पूछते दिखे कि कुछ दिखा, लेकिन इसी दौरान डॉक्टर के चमत्कार दिखने से इनकार करने पर बाबा गुस्से में आ गए। आरोप ये है कि बाबा ने अपने सुरक्षा कर्मियों से डॉक्टर को घसीट कर बाहर निकालने को कहा था। इस मामले से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, हालांकि न्यूज 18 इंडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। बाबा करौली ने डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी के साथ किसी भी तरह की मारपीट से इनकार किया है। जो आरोप भी लगाते हैं वो लोग भी हैं, उन्हीं में से कुछ लोग डॉक्टर चौधरी, जो ये कहते हैं कि दरअसल बाबा चमत्कार नहीं कर पाए थे और इसीलिए उनके साथ में यहाँ गलत व्यवहार हुआ है। अगर आप सुन पा रहे हो ये बात डॉक्टर चौधरी, तो ये साफ इनकार किया जा रहा है करौली महाराज की ओर से। दरअसल आपकी ही बात को कहा जा रहा है कि साजिशन आप ऐसा करने आए थे। देखिए, मैं साजिशन करने क्यों आऊंगा? इन्होंने सामने सामने मुझे गाली दी है कि पगलेट कहा है, और अपने गुंडों को इशारा किया है कि बाहर निकालो इसे साले को, गाली दे रहे हैं सामने सामने। तो ये कोई ये संत हो सकते हैं क्या, जो व्यक्ति गाली देता है और मारपीट करवाता है? ये तो आतंकवादी हैं। इनमें और आतंकवादियों में फ़र्क क्या है? अगर मेरी वहाँ पर मृत्यु हो जाती, मैं तो मरते मरते बचाऊँ, तो किसकी जिम्मेदारी होती फिर? और 2 लाख रुपए मैं के लिए फंसाना चाह रहे थे, मुझे ट्रैप में फंसाना चाह रहे थे कि जो है पैसे का वहाँ इन्होंने एक रहस्यमयी जो है मकड़जाल बना रखा है, एक ऐसा वहाँ पे जो है इन्होंने पूरा भूकाल बना रखा है। वहाँ लैंड क्रूजर गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं और हर समय जो है सिक्योरिटी वाले इनके गुंडे खड़े रहते हैं, हथियारबंद, सफारी सूट पहन के, काला चश्मा लगा के, सूट केस लेके, जैसे कि बहुत कोई वीआईपी मूवमेंट हो रहा हो या कोई पूरे चीफ मिनिस्टर हो या जो है किसी देश के प्रधानमंत्री हो। तो और ऐसे ही जो है इनके यहाँ वहाँ लेडी मार्शल्स होती हैं, तो इनके खिलाफ कोई आवाज़ ही नहीं उठा पाता। सब पैसे देते हैं वहाँ लुट के और अपना जो है जैसा ये कह देते हैं, इनकी हाँ में हाँ मिलाते रहो तो ठीक है, और इनकी हाँ में आप अगर आप इनका थोड़ा सा आपने इनको जो है थोड़ा सा इनसे आपने सवाल कर लिया तो वही इनको चुप जाता है। वो इनको चुप गया उस दिन, तो इन्होंने इशारा कर दिया कि भाई आज तक तो 20 साल में किसी ने हिम्मत नहीं की, इन पे पहले भी आरोप लगे हैं, इनका लंबा चौड़ा क्रिमिनल इतिहास है, हत्या का मुकदमा और उसमें जेल जा चुके हैं, ये रासुका एनएसए वगैरह दुनिया भर की, वो सब कल प्रिंट मीडिया में आ ही चुका है कानपुर में। पुस्तक में भूत प्रेत या तंत्र मंत्र शब्द का अर्थ प्रयोग उसी अर्थ में किया गया है जिस अर्थ में वेदों में, शास्त्रों में, श्रीमद भागवत गीता में उल्लेखित है या संप्रदायों में परंपराएं हैं, उस अर्थ में भूत प्रेत का नाम लिया गया है इस पुस्तक में। ठीक है, भूत होते हैं इस अर्थ में नहीं। ठीक है, तो अब क्या है कि मैं दरबार तो खंडन करता है, वो कह रहे हैं हमें देखना है भूत प्रेत, हमें दिखाओ चमत्कार। मैं उनसे कह रहा हूँ वीडियो में ऐसा कुछ होता ही नहीं बेटा, चमत्कार सब कुछ नियम से होता है, दरबार के नियम पालन करो, जैसे ये सब स्वस्थ हो रहे हैं आप भी स्वस्थ हो जाओगे, जैसे वो स्वस्थ हो रहे हैं बिल्कुल वैसे आप भी स्वस्थ हो जाओगे। तो अब उनको ये बात समझ में नहीं आ रही, उनको ये बात समझ नहीं आई, तो उस पर वो गुस्साने लग गए। आपने देखा ही वीडियो, उसके बाद चैलेंज भी उतारा है। कुछ आरोप ये भी लगते हैं कि पुराने भी अपराध हैं, फिर माना ये भी जाता है कि भाई संतों की तो ये परंपरा रही जी, है। जी अगर इस जी, तरीके जी, से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इन्हें मुझे मारने पीटने का इतनी बुरी तरीके से इन्होंने मुझे मारा है, तो ये अधिकार इनको, हाँ जी ये अधिकार इनको किसने दे दिया? मतलब ये संत हैं या ये आतंकवादी हैं? नहीं सॉरी, मैं इससे बात नहीं करूँगा, नहीं डॉक्टर साहब से बात करूँगा, सॉरी इस बात तुम्हें जांच बात नहीं करूँगा, नहीं इससे हम ये कह रहे हैं कि हाँ नहीं हम हेलो अब जैसे हेलो इससे पहले भी हम ही बात करेंगे लाइव में, इससे पहले भी जिस तरीके हमारी परंपरा रही है कि हमने सुना है कि जिस तरीके से वाल्मीकि जी के ऊपर आरोप लगते रहे कि अपराध में वो भी कभी शामिल रहे थे, लेकिन फिर एक समय के बाद में बदलाव आता है,
क्या इस तरीके से आपके ऊपर आरोप जो लग रहे हैं उसे भी आप जोड़कर देख सकते हैं कि अतीत एक अलग होता है और वर्तमान कुछ और होता है? अतीत सही देख करके आप देखेंगे, आप अतीत से प्रेरणा लेते हैं ना, आपके पिता कैसे थे, दादा कैसे थे, कुल कैसा था, लेंगे राम कैसे थे, कृष्ण कैसे थे, उन्हीं से लेते हैं ना प्रेरणा। तो मुझे प्रेरणा लेने में क्या दिक्कत है, मुझे आपत्ति है? मैं तो कह रहा हूँ भगवान वाल्मीकि बहुत अच्छा हुआ जो तुम इस युग में नहीं पैदा हुए, राम के युग में रहे, नहीं तो ये सब सनातन धर्म के विरोधी तुम्हें जेल भिजवा देते हैं। ये कहते तुमने रामायण कैसे लिख दी वाल्मीकि रामायण, तुम तो डाकू थे, तुम्हें तो अधिकार नहीं लिखने का, तो कुछ भी कह सकते थे, है ना। भगवान कृष्ण को तो छोड़ते नहीं, ये लोग जेल में डाले रहते हैं कि तुम तो ये करते हो। ये तो ये उनका व्यक्तिगत विषय लगता है या फिर ये कहीं साजिश आपको दिखाई दे? षड्यंत्र। और ये करने वाले कौन? यही एजेंट, सनातन धर्म को बदनाम करने वाले ये एजेंट है, नंबर एक के एजेंट, पक्के एजेंट। साफ साफ दिख रहा है चिकित्सा कराने के लिए यहाँ पे नहीं आए, ठीक होने नहीं आए थे वो चमत्कार दिखाइए, भूत प्रेत दिखाइए, क्योंकि लाइव चल रहा है। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ होता ही नहीं कुछ ही। अब इसका क्या करूँ मैं, इसके लिए क्या किया जाए? तो बोले, हमने कहा जिनका जो ठीक होते उनसे मिल लीजिए, चले जाइए। बोले थैंक यू करके वो चले गए। अब किससे लड़े, किससे भिड़े, क्यों लड़े, क्यों भिड़े? मैंने ना मारपीट की, ना मैंने कोई उनको साथ बदतमीजी की, ना मैंने गाली गलौज किया, ना मैंने असंसदीय भाषा का उनको लिए कोई प्रयोग किया सामने। ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया कि मारो कूटो इनको मार डालो। और वो जो तमाम लोग आरोप लगाते हैं वो ये कि वीडियो भी हमारे पास है और इसीलिए पुलिसिया कार्रवाई वो आगे बढ़ा रहे हैं, वो उन्हें दिखाया। पुलिस के लिए जांच का विषय है, पुलिस के जांच का विषय है, तो पुलिस को जांच करने दिया जाए। और ये घटना फरवरी में हुई थी और मार्च में अब ये गतिविधियां आगे बढ़ रही है, इस पर क्या विषय? ये तो मैं बार बार कह चुका हूँ, ये षड्यंत्र का हिस्सा है। अच्छा, साजिश का हिस्सा है कि इनको इतने पढ़े लिखे अगर ये, अगर या तो बेवकूफ़ आदमी है ये, अगर पढ़ा लिखा आदमी है तो कम से कम एक पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना देना चाहिए था। हर आदमी छोटा आदमी कर देता है तुरंत, बोले नेटवर्क नहीं था, तो यहाँ से चले गए और वहाँ के तक इनको, यहाँ इनको नोएडा तक नेटवर्क नहीं मिला, और उसके बाद एक महीना इनको नेटवर्क नहीं मिला, एक महीना तक कुछ भी नहीं। और एक महीने बाद अचानक से प्रकट हुए रातों रात, एक एक्स डीजीपी हैं, सपा समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट में रहे हैं, उन्होंने थाने में आकर के बैठ करके और उस एफआईआर को लिखवाया।